कोरोना के बाद अब पक्षियों में फैल रहे बर्ड फ्लू का असर देवास जिले की बागली तहसील में भी देखने को मिल रहा है। दो दिनों से बागली मुख्यालय सहित आसपास के गांव में मृत अवस्था में कौओं के मिलने की सूचना पशु चिकित्सा विभाग को मिल रही है। सूचना मिलने के बाद से पशु चिकित्सक अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं। सूचना मिलने पर मृत कौओं को सुरक्षा के साथ एकत्रित कर दफनाया जा रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि एक दर्जन से अधिक कौओं की मौत हुई है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। अभी कल से हमारे पास कुछ सूचना आई है, जब हमने कुछ कलेक्ट भी किए कुछ डेड बॉडीज को। कल शाम को हमारे पास 4 की सूचना थी और आज हमारे पास 2 की सूचना मिली थी हमें, जिसको हमने गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के तहत फ्रिजर किया है और आगे सैंपल की कार्रवाई के लिए हमने उनको फ्रिजर किया और आगे भेजा जा रहा है। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से पूरा पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से अपने मध्य प्रदेश के अंदर भी काफ़ी जगह कौओं की मौत का खबरें आ रही है। जैसे इंदौर के अंदर आ रहा है, अगर मालवा मंदसौर वगैरह अन्य जिलों में भी आ रहा है, उसी तरह के पैटर्न तो यहाँ भी कौओं के अंदर वो मृत्यु का पैटर्न शुरू हुआ है। आपको तो अपने बागली प्रॉपर में एक तो जगह की सूचना है और अन्य जगह से अभी हमको ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई अपने यहाँ पर विकासखंड में। और हमारी पूरी जो टीम है, हमारे विभाग की जो टीम है, हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, सभी संस्थाओं पर हमारे इसके बारे में सतर्क है और निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही अभी मैंने हमारे यहाँ के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं उनके साथ भी एक बैठक की है, जिसमें हमारे यहाँ के हमारे विकासखंड के सभी नगर पंचायत के सीईओ थे, तहसीलदार थे, सीईओ जनपद पंचायत थे यहाँ पे, और अन्य अधिकारी कर्मचारी थे और फॉरेस्ट के एसडीओ साहब, उनसे भी मेरी चर्चा चल रही है। तो इन लोगों को भी इसके बारे में जागरूकता के तहत क्या इसमें सावधानी रखना और किस तरह से आगे लोगों को जागरूक करना है, उस पर मेरी चर्चा हुई वहाँ पर कि इसमें ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो उसको तत्काल हमें सूचना दे तो हम उसको उसके विधि के अनुसार उसका हम प्रोटोकॉल के तहत जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है उसके तहत उसका हम डिस्पोज करेंगे उसको। और ऐसा कोई अभी वो नहीं है, बाकी पूरी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, निगरानी पे है, आगे तुम देखते हो उसको। दूसरा साथ ही कुछ कहो तो मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो मेरी सीएमओ साहब जो जाते हैं बागली के, उनके द्वारा मैंने गाँव में उसको सैनिटाइजेशन का भी सजेशन दिया, जिसका उन्होंने बोला हम उसको सैनिटाइजर भी करवा। कल ही जो घटना देखने में आई थी कि एक युवक जो है वो थैली में, सामान्य थैली में जो है कौवा, जो मृत कौवा लाकर जो उसने ऑफिस में यहाँ पर फैला ना चुकी वो, चूँकि शाम की घटना थी, वो जो संबंधित जो थे वो हम भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ऐसा हुआ था जाता है। तो लगता है वो यहीं नज़दीक का कोई आसपास था और हमने तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसको विधिवत उसको हमने प्रिजर्व किया हमारे तरीके से, शाम को जैसे ही हमें पता चला उसका। और आसपास की कोई से कितने गांव अभी तक जहां से सूचनाएं आई इस तरह की भी बात अभी तक? अभी मेरे पास जो है तो एक मानगुंड से खबर आई अभी, तो हमारी टीम जो हॉस्पिटल आई अभी वहां पे सर्वे करने गई है वहां पे, हो सकता है अभी थोड़े दिन में, अभी थोड़ी देर में आपके पास सूचना प्राप्त होगी वहाँ पर कितना कितने कवरेज में रख पाए गए क्या हुआ। और बाकी तो अभी बागली का ही खबर है मेरे पास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।